नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ इंदौर के सरवटे बस स्टैंड की जो नई बिल्डिंग है ये उसके ठीक बाहर। आज ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आज इस भव्य इमारत का लोकार्पण किया है और ये मैं आपको दिखाने आया हूँ। और बहुत ही जल्दी यहाँ से अब बसों के ऑपरेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक ये अपने उसका इनॉग्रेशन है वो हो गया है। सरवटे बस स्टैंड इंदौर, ये इसका एंट्रेंस है। ये मैंने आपको दिखा था वीडियो में, लेकिन अब ये पूरा तरह अब ये फिनिश हो गया है काम इसका। इंदौर नगर निगम ने इसको तैयार किया है दोस्तों, और ये रैंप बनाए गए हैं ताकि आराम से यहाँ पे लोग ये आ जा सकें। ये प्रवेश के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रवेश के लिए भव्य एंट्रेंस दिया गया है। ये यहाँ के जो बस स्टेशन जो अपने मैनेजर का जो कक्ष है, और ये घुसते से ही इसमें आपको राजवाड़ा की प्रतिकृति दिखाई देगी। पद्मभूषण क्या साहब उपाख्य श्री सीताराम सरवटे, अरे बात कर रहे हैं हमको दोस्तों। ये आप देख रहे हैं बस स्टैंड में दाखिल होते से ही आपको राजवाड़ा की प्रतिकृति यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और ये जो प्रतिमा लगी है ये पद्मभूषण श्री तात्या साहेब उपाख्य श्री विनायक सीताराम सरवटे जी की है, जिन्होंने इस बस स्टैंड के लिए ज़मीन दी थी। ये पुलिस कंट्रोल पूछताछ केंद्र, हालांकि अभी कोई है नहीं यहाँ पे, चूँकि औपचारिक रूप से अभी जो बस स्टैंड है वो शुरू नहीं हुआ है। ये इसके टिकट बुकिंग काउंटर हैं, मंडलेश्वर, मनावर, बड़वानी, खरगोन, महाराष्ट्र और सेंधवा की जो बसें हैं वो यहाँ से 6 और 7, बुरहानपुर, खंडवा, ये टिकट काउंटर है। ये झिरनिया ओंकारेश्वर की टिकट विंडो है, सनावत, महितपुर 11-12, आगर राजस्थान 13-14 और 15-16 जो है वो उज्जैन रूट की जो ये अपने बसें हैं। और ये उसका पूरा वेटिंग एरिया है दोस्तों सरवटे का। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी साफ सफाई हो रही है दोस्तों। ये जो ऊपरी जो ये हिस्सा है यहाँ पे रेस्टोरेंट आदि ये सब बनाए जाएंगे, ये आपको मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था। आइए आपको एक परिसर का भी मुआयना मैं आपको करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब बसें खड़ी होंगी और ये प्लेटफॉर्म है बसों के। लगभग 500 बसों का संचालन दोस्तों यहाँ से हो सकेगा डेली। तो यहाँ पे अभी चूँकि ये लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है तो सब ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं दोस्तों। ये 14.80 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा बस स्टैंड बनाया गया है और लगभग करीब 3 से 3.5 साल से ये बस स्टैंड से जो बस सुविधाएं हैं वो सब बंद रखी गई थी। ये सरवटे बस स्टैंड इंदौर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बाहर दोस्तों ये अपना अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं पूरा इसका टर्मिनल, बड़ा ही अच्छा लुक है। तो दोस्तों बहुत जल्दी यहाँ से अब बसों का संचालन चालू होने वाला है, संभवतः सोमवार तक बसें जो हैं वो चलने लगेंगी। अब सरवटे बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में ही दिख रहा है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सी बसें यहाँ पे पार्क होंगी। शेगांव, जालना, अपना औरंगाबाद, मलकापुर, ये बुरहानपुर, देशगाँव, दुलार फाटा, बोरगाँव, ये खंडवा रूट की बसें, सनावत, देशगाँव, छेगाँव। ये सेंधवा रूट की बसें खेतिया, शाहदा, नंदूरबार, राजपुर, महाराष्ट्र के जो बसें हैं वो यहाँ खड़ी होंगी इस प्लेटफॉर्म पे, धुलिया, मनमाड़, शिरडी, पूना, नासिक। ये खरगोन, बालसमत, कसरावत, बड़वानी रूट का दवाना, अंजड़, और एक और जो 2 नंबर के प्लेटफॉर्म है वो मंडलेश्वर, धामनोद, महेश्वर और मनावर, कुक्षी, जोबट के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ये दोस्तों ऊपर पूरा कैफेटेरिया रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया,
तो दोस्तों आज ये औपचारिक रूप से इसकी बस स्टैंड की शुरुआत हो गई है। अब बहुत जल्द ही जो बसों की जो पूरी गतिविधियां हैं या मूवमेंट है वो सब चालू हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी सौगात 2022 में नगर निगम ने इंदौर को दी है, इंदौर के लोगों को दी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे शिशु आहार कक्ष भी है महिलाओं के लिए और दोनों तरफ ऊपर जाने के भी रास्ते बनाए गए हैं। ये दोस्तों ये जो ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा कैफेटेरिया रहेगा। तो दोस्तों ये आप बताइए मुझे कि सरवटे बस स्टैंड आपको कैसा लगा। आज लोकार्पण के दिन ही मैं आपको यहाँ पे दिखाने आ गया था। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।